चैप्टर एंड पे है आज. आज हमारा जो लास्ट है 8th नंबर. मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था पर मुझे लग रहा है आप किसी में से कोई नहीं कर पाया तो मैं आपको करा देती हूँ. ठीक है. सो एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 8. ठीक है. सो लास्ट सम हमारे चैप्टर का एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन 8. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. फाइंड इट्स पेरिमीटर. देखो क्या बोल रहा है. डायगनल्स एक रोम्बस के डायगनल्स है. तो रोम्बस क्या होता है. रोम्बस एक्चुअली एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके डायगनल्स बायसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे या राइट एंगल्स पे. तो पहले मैं रोम्बस बना देती हूँ. सो ये मेरा रोम्बस बनाया मैंने. ठीक है. तो रोम्बस बनाया तो इसको नाम दे देती हूँ ए. मैं थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ ताकि फिगर आपको समझ आए. ठीक है. ए बी सी डी ये रोम्बस है और रोम्बस के डायगनल्स एक 16 सेंटीमीटर है और एक 30 सेंटीमीटर है. ठीक है. तो डायगनल्स इंटरसेक्ट करेंगे 16 और 30. सो ये एक डायगनल और ये दूसरा डायगनल. आपको पता होगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऐसे लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उन्हें डायगनल्स कहते हैं. तो इन्होंने क्वेश्चन में इन डायगनल्स की माप दी है. क्या माप दी है. तो इस एक डायगनल की 16 दी है और एक डायगनल की 30 सेंटीमीटर माप दी है. ठीक है. रोम्बस की खासियत क्या होती है. रोम्बस की खास बात होती है कि उसके सारे साइड्स इक्वल हैं. सपोज अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 10 होगा. ठीक है. रोम्बस की एक और क्वालिटी होती है उसके डायगनल्स राइट एंगल पे बायसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं. मतलब यहाँ 90 डिग्री बनता है ये. ठीक है. सपोज इनके डायगनल्स बायसेक्ट करते हैं ओ पे. मतलब सपोज इन्होंने एक दूसरे को किस पे काटा, ओ पे. अच्छा अगर दो चीजें एक दूसरे को काट रही हैं, यही चीज मैं आपको ट्रायंगल से बाहर समझा रही हूँ तो आपके दिमाग पे बैठे. सपोज ये एक लाइन है जिसकी माप है 16 सेंटीमीटर. ठीक है. इसकी माप है 16 सेंटीमीटर. ठीक है. सपोज ये एक लाइन है इसकी माप है 30 सेंटीमीटर. ठीक है. एक की माप 16 सेंटीमीटर है और एक की माप 30 सेंटीमीटर है. तो 16 का आधा क्या होगा. 16 का आधा 2 1 2 8 जा 16 का आधा 8 होगा. तो ये भी 8 और ये भी 8. अब 30 का आधा 2 1 2 2 5 10 इसको भी 15 और इसको भी 15. जब काटते हैं एक दूसरे को काटते हैं बाय सेक्ट. बाय मतलब टू, सेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स. जब दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं तब जो वैल्यू होती है वो आधी हो जाती है. तो देखो यहाँ पे यही चीज मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ. तो देखो अगर ये पूरा 16 है, ये पूरा 16 है, डी भी पूरा 16 है. तो अगर ऐसे काट रहे हैं तो ये आधा क्या हो जाएगा, 8. 16 का आधा क्या होता है, 8. तो ये होगा हमारा 8. ठीक है. और ये 30 है. ठीक है. 30 को आधा करो. 30 का आधा क्या होता है, 15. तो ये क्या लिखेंगे हम, 15. अब देखो ये ट्रायंगल है. ध्यान से देखो, मैं ट्रायंगल बाहर निकाल के दिखाती हूँ. देखो ये ट्रायंगल है ओ C,
सी डी, ठीक है। तो ये 8 है और ये 15 है, तो देखो ये 8 है ये 15 है, तो क्या लगेगा? पाइथागोरस। कैसे लगेगा पाइथागोरस? तो देखो यहाँ 90 डिग्री है ना, तो ये पाइथागोरस लगेगा इन ट्रायंगल ओ डी सी। आंसर देखो बीडी कितना है, बीडी है 16, बीडी 16 है, तो देयरफॉर अगर ये पूरा 16 है तो इसका आधा क्या होगा, ओडी कितना होगा 16 का हाफ, ओडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 16, 2 1 2 8 जा, सो देयरफॉर ओडी इज इक्वल टू 8, ठीक है। और जैसे ये पूरा 30 है, पूरा 30 है, 30 का आधा क्या होता है 15, ठीक है, सो ओसी इज इक्वल टू हाफ 30, 2 1 2 5 जा, सो ओसी कितना आएगा 15, ठीक है। तो देखो OD कितना आया 8 और OC कितना आया 15, तो ये ट्रायंगल बनाएंगे ODC। इस पर पाइथागोरस ट्रायंगल लगाओ, पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलती है, राइट एंगल के सामने वाले का स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, आप सोचोगे मैम कुछ भी क्यों कर रही है, तो मैंने आपको पहले ही बोला रोम्बस की दो प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको ऊपर मार्जिन पे लिखा देती हूँ। रोम्बस की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट, ठीक है। अच्छा आप ये ट्रायंगल करेंगे, इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी, इन ट्रायंगल ओ डी सी, ठीक है, एंगल हो 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। OC क्या है, OC OC है 15, OD क्या है 8, फिफ्टीन का स्क्वायर क्या होता है 15 जा 225, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है 64, 225 और 64 का प्लस करो 289, so therefore CD square is equal to 289, therefore CD square is equal to 289 किसका square होता है 17 जा, ठीक है, तो 17 का square, तो यहाँ 22 cancel, so CD कितना आया 17, तो ये CD की value क्या आ गई 17, तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ठीक है। सो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस की फॉर्मूला क्या होती है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस जैसे स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होती है 4 × साइड, वैसे रोम्बस भी स्क्वायर का छोटा भाई है, ठीक है। आप बोल सकते हो कि रोम्बस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर जैसी होती हैं,
तो अगर रॉम्बस की भी चारों साइड्स होंगी इक्वल जैसे कि स्क्वायर की है, सो 4 × s, 4 × साइड, 4 × 17, ठीक है, साइड 17 है ना, तो 4 × 17, तो 17 फोर जा 4, 7 जा 28, 4, 1 जा 4, 5, 6, तो 16. ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस का आंसर क्या आया, 68 सेंटीमीटर. ये सम थोड़ा सा अलग था. इस एक्सरसाइज के जो लास्ट के दो सम्स हैं, एक रेक्टेंगल वाला और ये दूसरा रॉम्बस वाला, इन सम्स में आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए. रॉम्बस की कौन सी दो प्रॉपर्टीज हैं, पहला उसके डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे, राइट एंगल मतलब ये वाली निशानी, और बाइसेक्ट मतलब उनकी जो लाइन है वो हो जाती है आधी, हाफ हो गई. तो यहाँ इसकी लाइन हाफ हो गई, इसकी लाइन हाफ हो गई, यहाँ देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा. ठीक है, तो जैसे ही आपको साइड मिली तो पेरीमीटर ऑफ रॉम्बस का फॉर्मूला है 4 × साइड, आपने वो लगा दिया और आपका आंसर आ गया. ठीक है, सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. आई एम कम्प्लीटिंग हियर बाय द होल चैप्टर. काइंडली गो थ्रू द होल चैप्टर, वीडियोज आर विद यू ऑनली, आपके पास है वीडियो, प्लीज दो बारी देखें, तीन बारी देखें, जब तक चैप्टर अच्छे से ना समझ आए देखते रहें. ट्रायंगल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कमिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है. सो प्लीज 7th में अपना जो भी आपके इश्यूज हैं ट्रायंगल के साथ वो वीडियोस दो तीन बारी देख के क्लियर कर लें. ठीक है, सो जस्ट एंडिंग दिस चैप्टर एंड प्लीज डू दिस सम प्रॉपरली, दिस इज अ वेरी हटके सम, डिफरेंट सम है, डू इट एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप. थैंक यू.